नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका रायसे स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आर्टिकल 143-143 लेकर हाजिर हूं आपके सामने। आज की क्लास का ये जो आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, अतिशय क्वेश्चन आपके भारत में होने वाले सभी एग्जाम से पूछा जाता है और ये अच्छा आर्टिकल भी है 143। अंदर पढ़ने से पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं, अगर आप नोट्स बना रहे तो वहां पर आपको मदद मिलेगी। क्या है? सलाह मांगने की बात है। क्या है? सलाह मांगना। अगर कोई नियम सरकार बनाने जा रही है और लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बाद में इसको बोलेगा ये नियम के तहत नहीं है या किसी आर्टिकल का उल्लंघन होगा, तो पहले क्यों ना सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया जाए। तो संसद स्वयं नहीं पूछती है, वैसे तो संसद के पास एक आदमी होता है अटॉर्नी जनरल, बट उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से स्पेशली इस पर परामर्श ले लिया जाए। तो यह काम किसको दिया जाता है? यह काम दिया जाता है राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 में, कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे। अब सलाह मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो तरीके हैं। एक केस है 1950 से पहले का, यानी कि आजादी से पहले, और एक है 1950 के बाद, अर्थात संविधान लागू होने के बाद। अगर केस 1950 के बाद का है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है या मना कर सकता है कि भैया आप देख लो जैसी आप पीछे, हम इस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते, हम अभी कोई मदद नहीं कर सकते, कंसल्ट नहीं दे सकते। लेकिन अगर 1950 से पहले का है तो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट देना ही पड़ेगा कि भैया इस पे ये बात सही है। इतनी सी बात है, उसी को इन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है। आइए आपको दिखा देता हूं आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है। कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कोई कानून बनाने जा रही है सरकार, लग रहा है कि यार हम कानून जो बनाने जा रहे हैं ये अच्छा है कि गलत है, किसी नियम को तोड़ तो नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए राष्ट्रपति इस पर रिक्वेस्ट करता है, कंसल्ट पावर है कि भाई सलाह दे दो थोड़ी सी। अब हाँ, सलाह बाध्यकारी नहीं है, चाहे तो सरकार माने चाहे तो ना माने, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कहा क्या गया, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तनय का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो किसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना समाचीन है, उचित है, वो उस पर सलाह ले सकता है। भैया जरूरी है, देश के मामले की बात है, आप सलाह एक बार इसमें कर ही दो, फिर देखा जाएगा जो होगा सो देखा जाएगा तब। इसके अलावा तो अगर सार्वभौमिक है तब वह प्रश्न को विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को या उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट से ही मांगता और कहीं से नहीं मांगता। और जब न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझे, न्यायालय सुनवाई के पश्चात उस केस को सुनेगा, अच्छा लगेगा तो अपना डिसीजन देगा, नहीं तो चुप रहेगा, बोलेगा आप अपना देख लो, ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा, यानी कि देगा कि ये रही सलाह। आगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 312। अब 312 क्या है? सिविल सर्विस वाला अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ाऊंगा। आईएएस पीसीएस की जो वैकेंसी, जो जॉब बनाई जाती है, 312 के तहत राज्यसभा बनाती है, उसी से संबंधित है। 312 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय निर्देश कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझे राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन कर सकेगा कि नई नौकरी जो आप बना रहे हो सही है कि गलत है। वो तो एक नौकरी की बात है, वो लिख दिया 312 का कि अगर नई आईएएस आईपीएस कोई इंडियन जुडिशियरी सर्विस बनानी तो बनाना कि नहीं बनाना, इस पर हम इससे पूछेंगे। बट ओवरऑल इसका जो महत्व है, जो इसका जो डेफिनेशन आई, वो डेफिनेशन वही थी जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, उतना ही याद रखना है, उसी से आपका काम चल जाएगा। वैसे सीधा क्वेश्चन आता है, कंसल्ट पावर आर्टिकल 143 में है, कहां से ली गई? कनाडा से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की जो तरीका है ये कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये अतिरिक्त जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, राइस स्मार्ट हिंदी नाम है टेलीग्राम चैनल का, पर्सनल मेरा है जीएस बाई की मांग से ज्यादा। टाटा बाय, टेक केयर, आज के लिए, कल मिलते हैं आर्टिकल नंबर 144 के साथ।